Guys, welcome back to the channel Navya Educator. So today we are back with the practice class, right? So आज हमने practice class की हुई है और ये class बहुत ही important है क्योंकि अब हमारे number of practice classes will increase. जो number of classes हैं practice class वो बढ़ जाएंगे but जब lessons class जो होंगी हमारी वो थोड़ी कम चलेंगी, right? So आज हमारा ये practice class 7 है. आप जरा इसे ध्यान से देखेंगे. So this is the practice class 7. और आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है? सो यू विल आंसर दिस इज डैश, राइट? सो पहला क्वेश्चन होगा मेरा व्हाट इज दिस एंड आप कहेंगे दिस इज डैश, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज दिस? दिस इज बोर्ड. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर नोज. एंड व्हाट इज दिस? राइट. सो हमारी इतनी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करनी है, मैक्सिमम 10 सेंटेंसेस करने हैं. मैंने 3 पूछे, आप 10 अपने आप से पूछे या किसी से पूछे. एंड द नेक्स्ट इज डू यू हैव डैश, डू यू हैव डैश, क्या आपके पास ये है? डू यू हैव डैश, क्या आपके पास ये है? तो आंसर होंगे दो, या तो आप कहेंगे यस या आप कहेंगे नो. अगर आपको कहना है यस तो आप कहेंगे यस आई हैव दिस, या अगर आपको नो बोलना है तो नो I don't have this. This is very simple. मैं आपसे पूछूंगा do you have this? क्या आपके पास ये है? आप कहेंगे yes I have, या फिर no I don't have this. For example, क्या आपके पास pen है? Do you have a pen? तो आप बोलेंगे yes I have a pen, या फिर no I don't have a pen. Got it? चलो बताओ, do you have a helicopter? No I don't have helicopter. Do you have teeth? Yes I have. Okay, do you have hair? Yes, I have hair. Do you have a Mercedes? No, I don't have Mercedes. Do you have a DSLR? No, I don't have DSLR. Okay, so guys, आप लोगों को भी 10 प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है. लगभग आपको 10 सेंटेंसेस ऐसे बोलने होंगे, राइट? एंड द नेक्स्ट, अब आपको नई चीज करनी है. क्या मैं आपसे पूछूंगा डिड यू हैव दिस थिंग, क्या आपके पास ये थी? राइट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इन योर चाइल्डहुड, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये इन योर चाइल्डहुड, ठीक है? क्या आपको समझ में आ जाए. सो डिड यू हैव दिस थिंग, क्या आपके पास ये था इन योर चाइल्डहुड, आपके बचपन में आपके पास था. सो यहाँ भी आपके दो ही आंसर होंगे यस एंड नो. तो अगर आप बोलेंगे यस तो आप बोलेंगे यस आई हैड दिस थिंग, और अगर नो बोलेंगे नो आई डिड नॉट have this thing, right? So आप पहले बोर्ड पर देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ. Did you have this thing in your childhood? क्या बचपन में आपके पास थी? जैसे क्या बचपन में आपके पास toys थे? Did you have toys in your childhood? तो आपके आंसर होंगे Yes, I had this thing in my childhood. Yes, I had toys in my childhood. बचपन में हाँ मेरे पास toys थे, या No, I did not have toys in my childhood. नहीं, बचपन में मेरे पास toys नहीं थे. राइट. सो अब आप मुझे बताओ डिड यू हैव स्मार्टफोन इन योर चाइल्डहुड? नो आई डिड नॉट हैव स्मार्टफोन इन माय चाइल्डहुड. ओके, डिड यू हैव टॉयज इन योर चाइल्डहुड? यस आई हैड सो मेनी टॉयज इन माय चाइल्डहुड. ओके, डिड यू हैव लैपटॉप इन योर चाइल्डहुड? नो आई डिड नॉट हैव लैपटॉप इन माय चाइल्डहुड. डिड यू हैव योर पेरेंट्स इन योर चाइल्डहुड? यस आई हैड माय पेरेंट्स इन माय चाइल्डहुड. डू यू हैव पेरेंट्स नाउ? Yes, I have my parents. समझ में आ रहा है ना? तो ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. एंड द नेक्स्ट इज डू यू डू दिस, क्या आप ऐसा करते हो? तो इसके आंसर दो होंगे यस आई डू या नो आई डोंट डू. आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए स्क्रीन पर. जैसे मुझे पूछना आप क्या मंदिर जाते हो, डू यू गो टू टेम्पल, क्या आप मंदिर जाते हो? डू यू गो टू टेम्पल. अगर जाते हो तो बोलोगे यस आई गो टू टेम्पल, और अगर नहीं जाते तो बोलोगे नो आई डोंट गो टू टेम्पल. राइट. एंड नाउ आई एम आस्किंग यू, ओके, डू यू वॉश क्लोथ्स? यस आई वॉश क्लोथ्स. डू यू वेयर क्लोथ्स? यस आई वेयर क्लोथ्स. डू यू थ्रो योर क्लोथ्स इन गार्बेज? नो आई डोंट थ्रो माय क्लोथ्स इन गार्बेज. डू यू वॉक ऑन द रोड? यस आई वॉक ऑन द रोड. ओके, डू यू वॉक ऑन द वॉल? No, I don't walk on the wall. Do you abuse your friends? No, I don't abuse my friends. Do you fight with your friends? No, I don't fight with my friends. Do you jump on the sofa?
Yes, I jump on the sofa. Right guys, तो इस तरीके से आप लोग बात करेंगे. Next is, do you like to do this? Do you like to do this? क्या आपको ये करना पसंद है? अगर पसंद है तो आप बोलेंगे yes, I like to do this. और नहीं पसंद तो no, I don't like to do this. Right? So, मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको खाना खाना पसंद है? तो मैं पूछूंगा do you like to eat food? तो आप बोलेंगे yes, I like to eat food. और अगर नहीं पसंद तो आप बोलेंगे no, I don't like to eat food. It is very simple, right? Okay. Do you like to fight with your parents? No, I don't like to fight my parents. Okay. Do you like to help poor? Yes, I like to help poor. Okay. Do you like to jump on the road? No, I don't like to jump on the road. Do you like to clean your home? Yes, I like to clean my home. Do you like to take bath every day? Yes, I take bath every day. I like take bath every day. Okay. Do you like to beat your child? No, I don't like to beat my child. Okay. So, इस तरीके से इनके साथ अभी क्या हुआ कि कैमरा थोड़ा सा इधर सो व्हाई डिड यू नॉट टेल मी नेक्स्ट थिंग डू यू वांट टू डू दिस राइट डू यू वांट टू डू दिस कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं सो आंसर होंगे दो यस आई वांट टू डू दिस राइट या नो I don't want to do this. No, I don't want to do this. Yes, I want to do this. Yeah, no, I don't want to do this. Look here. मैं पूछूंगा क्या आप विदेश जाना चाहते हो? Do you want to go abroad? So आप बोलेंगे Yes, I want to go abroad. Yeah, no, I don't want to go abroad. Right? So यहाँ आपकी इच्छा की बात हो रही है कि आप ऐसा चाहते हो या नहीं? Right? Okay. Do you want to purchase makeup kit? Yes. I want to purchase makeup kit. Okay, do you want to break your lipstick? No, I don't want to break my lipstick. Do you want to take one glass of juice? Yes, I want to take one glass of juice. Do you want to smoke? No, I don't want to smoke. Okay, do you want to fight with your friends? No, I don't want to fight with my friends. Do you want to abuse your neighbors? No, I don't want to abuse my neighbors. Do you want to jump from the terrace? No, I don't want to jump from the terrace. Okay, so guys, ये बहुत easy था, right? अब हम next लेकर चल रहे हैं. Will you do this tomorrow? Will you do this tomorrow? क्या आप ऐसा करोगे? तो अगर आप करोगे, तो बोलोगे yes, I will do this. अगर नहीं करोगे, तो no, I will not do this. राइट समझ में आया जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं पूछूंगा क्या आप खाना खाओगे विल यू ईट फूड तो आप बोलोगे यस आई विल ईट फूड हाँ मैं खाना खाऊंगा या नो आई विल नॉट ईट फूड नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा राइट इट इज सो सिंपल ओके विल यू टेक बाथ टुमारो यस आई विल टेक बाथ टुमारो ओके विल यू टॉक विद मी टुमारो Yes, I will talk with you tomorrow. Okay, will you practice of spoken English tomorrow? Yes, I will practice spoken English tomorrow. Okay, will you make notes tomorrow? No, I will not make notes tomorrow. Okay, will you drive car tomorrow? Yes, I will drive car tomorrow. Will you wash car tomorrow? No, I will not wash car tomorrow. Right, बहुत simple था. अभी हमें थोड़ा सा space चाहिए board पर. Space नहीं है. So, आपको ये चीजें मैं भेज दूंगा आप ठीक है टेलीग्राम ग्रुप में हम अपना ये चीजें आपको सेंड कर देंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए बाकी आप लोग खुद नोट कर लें तो ये बेटर रहेगा ठीक है आपको खुद नोट करना पड़ेगा एंड द लास्ट क्वेश्चन आर यू डूइंग दिस नाउ अडेज राइट क्या आजकल आप ऐसा कर रहे हो तो देयर विल बी टू आंसर यस एंड नो Yes, I am doing this nowadays. हाँ मैं आजकल ये कर रही हूँ या नो I am not doing this nowadays. सिंपल है जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आजकल आप इंग्लिश सीख रहे हो आर यू लर्निंग इंग्लिश nowadays? सो आपके दो आंसर है यस आई एम लर्निंग इंग्लिश nowadays या नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश nowadays. ओके दैट्स सो सिंपल
Okay. Are you learning English nowadays? Yes, I am learning English nowadays. Are you trying to speak English? Yes, I am trying to speak English. Are you cooking food nowadays? Yes, I am cooking food nowadays. Okay. Are you learning new words nowadays? Yes, I am learning new words nowadays. Are you making vlogs nowadays? Yes, I am making vlogs nowadays. Are you staying at your parents' home nowadays? No. Maternal parents? No, I am not staying with my? With my parents nowadays. Okay. Are you breaking things nowadays? No, I am not breaking things. Okay, are you brushing your teeth nowadays? Yes, I am brushing my teeth nowadays. Okay. Are you taking bath on the road nowadays? No, I am not taking bath on the road. ओके सो कुछ भी बोलना पड़ेगा गंदा था लेकिन कुछ भी बोलना पड़ेगा राइट सो गाइस ये थी एक प्रैक्टिस क्लास